हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शंख को अपने घर के किस दिशा में रखनी चाहिए जिसे कि धन धान और आर्थिक समृद्धि हो, या वास्तु शास्त्र में शंख का क्या स्थान है, हम सारी बातें आपको बताने चाह रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो घर में यदि शंख रखते हैं तो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हिंदू धर्म में शंख को घर में रखना बहुत शुभ माना गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में रखे शंख के विषय में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे शुभता और बढ़ेगी। कभी कभी शंख रखना अशुभ हो जाता है। अशुभ कब होता है? जब आप उसके नियम फॉलो नहीं करते। शंख के विषय में यह माना जाता है कि इसे घर में स्थापित करने या पूजा घर में रखने से घर की सीमा के भीतर कोई भी अनिष्ट कार्य नहीं हो पाता है और परिवार के लोगों का जीवन भी बाधाओं से दूर रहता है। और इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शंखों के कई प्रकार होते हैं और सभी से जुड़े पूजा विधान भी अलग अलग हैं। उच्चतम श्रेणी के शंख मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका, भारत, कैलाश मानसरोवर में पाए जाते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार अगर अनुष्ठानों में शंख का उपयोग सही प्रकार से किया जाए तो यह साधक की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। पुराणों में तो यह भी लिखा है कि कोई मूक व्यक्ति नित्य प्रति शंख बजाए तो बोलने की शक्ति पा सकता है। फिर शंख की आकृति भी अलग अलग होती है। शंख को उसकी आकृति के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिस शंख को दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है उसे दक्षिणावृति शंख कहते हैं, जिसे बाएं हाथ से पकड़ा जाता है उसे वामावृति शंख कहते हैं, और जिस शंख का मुख बीच में से खुला हो उसे मध्यावृति शंख कहा जाता है। तो शंख के तीन प्रकार हो गए। प्रायः दक्षिणावृति और मध्यावृति शंख आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और इनके चमत्कारी गुण अन्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। पूजा के दौरान दक्षिणावृति शंख रखने और उसकी पूजा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तो बिना शंखनाद के कोई भी धार्मिक कार्य पूरा ही नहीं होता है। इसकी आवाज से प्रेत आत्मा और पिशाचों से मुक्ति मिलती है। तो शंख के बारे में जो बात ध्यान रखने की है वो मैं आपको बताता हूं। शंख को पानी में नहीं रखना चाहिए, शंख को धरती पर भी नहीं रखना चाहिए। शंख हमेशा एक साफ कपड़ा बिछा कर रखना चाहिए। शंख के अंदर जल भरकर नहीं रखना चाहिए। पूजन के समय शंख में जल भरकर रखा जा सकता है और आरती के बाद इस जल का छिड़काव करने से शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगता है। शंख को पूजा के स्थान पर रखते समय खुला हुआ जो भाग होता है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। शंख को भगवान विष्णु, लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिनी ओर रखनी चाहिए। शंख को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिनी ओर रखना चाहिए। शंख को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए शंख को पूजन स्थान में उसी आदर के साथ पूजा जाना चाहिए जिस आदर के साथ भगवान का पूजा किया जाता है। आसानी से धन प्राप्ति के लिए शंख को 108 चावल के दानों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए। घर में शंख ध्वनि का गुंजन सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है, तो पूजन के समय रोजाना घर में शंख बजाना चाहिए, बहुत फायदा होता है। अब आप देखिए, चाहे मंदिर में आरती हो या कोई भी धार्मिक समारोह हो, शंख की ध्वनि को बजाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है, व्यक्ति को बहुत लाभ मिलते हैं।
शंख की ध्वनि से न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि देवता भी हमारी ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा शंख की ध्वनि से पूजा की विविध वस्तु में चेतना जागृत होती है जिससे हमारे द्वारा की गई पूजा सार्थक होती है। समुद्र मंथन के समय निकलने वाले 14 रत्नों में से एक रत्न शंख भी है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शंख बहुत उपयोगी है। शंख बजाने से कुंभक, रेचक और प्राणायाम क्रियाएं एक साथ होती हैं जिससे स्वास्थ्य सही बना रहता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है तो यदि शंख में रात भर गंगा जल भरकर प्रातः सेवन किया जाए तो शरीर में कैल्शियम तत्व की कमी नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार शंख के भस्म के औषधीय प्रयोग से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, मंदाग्नि, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र से जुड़े रोगों से लाभ मिलता है। लयबद्ध ढंग से शंख बजाने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है जिससे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह होने से रक्त भी शुद्ध होता है। दक्षिणावर्ती शंख धन की देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए धन लाभ और सुख समृद्धि के लिए घर में उत्तर पूर्व दिशा में अथवा पूजा घर में रखना चाहिए। प्रतिदिन इसकी धूप दीप दिखाकर पूजा करनी चाहिए। पितृ दोष के असर से बचने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर अमावस्या और शनिवार के दिन दक्षिण दिशा में मुंह करते हुए तर्पण करते हुए पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं जिससे गृह कला और कार्यों में बाधा, संतानहीनता और धन की कमी जैसी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। अभी 3 मुख्य प्रकार के शंखों के अलावा लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, गणेश शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, गरुड़ शंख, शनि शंख, राहु शंख, बहुत तरह के शंख होते हैं। गणेश शंख में जल भरकर गर्भवती स्त्री को पिलाने से संतान स्वस्थ और रोग या विकार मुक्त पैदा होती है। अन्नपूर्णा शंख को रसोई घर या भंडार घर में रखने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। मणि पुष्पक शंख को घर में स्थापित करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। घर में जहाँ मंदिर की स्थापना की जाती है वहाँ भी शंख को रखने का प्रावधान है। पूजा वेदी पर शंख की स्थापना किसी भी शुभ दिन जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, कभी भी की जा सकती है। और जिस हिंदू घरों में भगवान को घी, दूध और गंगाजल से स्नान करवाया जाता है वैसे ही शंख को भी स्नान करवाना चाहिए, बिल्कुल भगवान की तरह। दैविक, अर्धदैविक और तांत्रिक तीनों ही प्रकार के अनुष्ठानों में शंख का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र और विज्ञान में भी इसके प्रयोग का तरीका का उल्लेख किया गया है। शंख में अपनी तरंगें होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख की तरंगें वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब भी शंखनाद होता है तो उसकी आवाज से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और साथ ही हवा में फैले कीटाणुओं का भी नाश होता है। आयुर्वेद के अनुसार शंखोदक भस्म से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया, बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। मैंने ऊपर भी आपको बताया हार्ट अटैक वगैरह। वैज्ञानिक, आयुर्वेद और धार्मिक लाभ के साथ साथ शंख घर के वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए कारगर साबित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख के भीतर लाल गाय का दूध भरकर घर में छिड़कने से घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा शंख को दुकान या ऑफिस में रखने से व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। जो चिकित्सीय पक्ष है वो तो मैंने आपको बताया ही कि चिकित्सीय कितने सारे फायदे हैं। नवग्रहों की शांति और प्रसन्नता के लिए शंख को उपयोगी रत्न माना गया है। सूर्य ग्रह की प्रसन्नता के लिए आप सूर्य को देखते हुए शंख बजा सकते हैं। चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शंख में गाय का कच्चा दूध भरकर सोमवार को भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। पर शंख से भगवान शिव को दूध चढ़ाना या जल चढ़ाना बिल्कुल वर्जित है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको कहीं कहीं लोग बोलेंगे कि चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शंख में गाय का कच्चा दूध भरकर सोमवार को भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए, पर यह गलत है।
कभी भी शंख से भगवान शिव को पानी या दूध अर्पित नहीं किया जाता है। मंगल ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हुए शंख बजाना जरूरी होता है, यह श्रेष्ठ उपाय है। बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए शंख में जल और तुलसी दल लेकर शालिग्राम पर अर्पित करना चाहिए। वहीं गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को दक्षिणवर्ती शंख पर केसर का तिलक लगाकर पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शंख को श्वेत वस्त्र में लपेटकर पूजा घर में रखना चाहिए। धन्य धान और आर्थिक समृद्धि पाने के लिए शंख में चावल भरकर लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली तिजोरी अथवा धन रखने वाली अलमारी में रखना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।